हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी चीफ माधवी बुच ने तोड़ी चुप्पी। स्टेटमेंट जारी कर कहा हिंडनबर्ग ने शोकाज नोटिस का जवाब तो दिया नहीं, उल्टा सेबी चीफ के चरित्र में लगा हिंडनबर्ग रिसर्च। हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे पर कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता सुप्रिया श्री ने बोली, एक मुहावरा कहा जाता है जब सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च का बड़ा दावा, सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति का अदाड़ी विवाद से कनेक्शन, सेबी चीफ ने आरोपों को बताया गलत और बेबुनियाद। हिंडनबर्ग पर नए खुलासे को लेकर हमलावर हुआ विपक्ष, आप सांसद संजय सिंह ने कहा यह अदाड़ी का नहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी का घोटाला है। हिंडनबर्ग के नए खुलासे पर पवन खेड़ा ने कहा इस मामले में भी होना चाहिए जेपीसी का गठन, तभी मामले की सच्चाई सामने आएगी, राहुल गांधी ने पहले ही दी थी जानकारी। हिंडनबर्ग के आरोपों को अदाड़ी ग्रुप ने सिरे से नकारा, अदाड़ी ग्रुप ने कहा हिंडनबर्ग के आरोप दुर्भावनापूर्ण, तथ्यों और कानून की उपेक्षा की गई। विपक्ष के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा सीमा पार से जुड़े हुए हैं विपक्ष के तार, विदेशी कंपनियों के साथ कांग्रेस का याराना, कुछ लोग देश में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में देश भर में उबाल, दिल्ली में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज की घटना पर पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने जताया दुख, कहा दुर्भाग्यपूर्ण और जघन्य घटना, हर जगह सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा पुख्ता करने की जरूरत। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग, केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बोले मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। महिला डॉक्टर की दरिंदगी के खिलाफ कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध जताया, पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या मामले में आईएमए ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और परिवार को 1 करोड़ रुपए मदद देने की मांग। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा बढ़ाई गई, अस्पताल के आसपास पुलिस फोर्स तैनात, आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर। महिला डॉक्टर की हत्या पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा सीबीआई सहित किसी भी एजेंसी से जांच के लिए तैयार, आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी सरकार।